नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बीवीआई है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, पैरामेडिकल के लिए सुबह में और शाम में, जैसा कि अभी आपको साइंस का चल रहा है, 8 बजे से आपको शाम में डेली एमसीक्यू मिलेगा, और मॉर्निंग में दोस्तों 8 बजे सुबह में आपको, ठीक है, मैथ का मिलेगा डेली। तो आप सभी लोग मैथ का भी ज्वाइन करना, कल से स्टार्ट हो रहा है मैथ का, प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा वहाँ पे, तो ज़रूर से ज्वाइन होइएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन और साथ साथ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 1 कहता है, चरने वाले पशु के चारे में सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नहीं पच पाता है। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी मात्रा में पचता है। ऑप्शन नंबर सी, पशु द्वारा पचते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आंत्र के जीवाणु द्वारा पचते हैं। चारे में जो सेलुलोज पाया जाता है, चरता है ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब चरने वाला पशु होता है, ठीक है, तो उसके चारे में जो सेलुलोज पाया जाता है वो क्या? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो चारा में सेलुलोज होता है वो आंत में, ठीक है, ये चरने वाले पशुओं का जो आंत होता है ना, उसके अंतर्गत एक जीवाणु पाया जाता है, उसी के द्वारा पचते हैं। तो यहां पर से जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 यानी कि 22 कहता है, वह गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है, वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है जी, कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है जी। जो लोग अभी तक से लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और शेयर वाला बटन अभी तक से नहीं दबाया तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कर दो। तो चलिए, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल के लिए जो प्रदूषक गैस मानी जाती है ना, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लाइनक, ऑप्शन नंबर बी है बेटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है जेनर, ऑप्शन नंबर डी है बेक्समैन। इंसुलिन की खोज, आप सभी को इंसुलिन पता होना चाहिए, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अभी पहले इसका आंसर बताओ, फिर उसका भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी। तो हाँ जी, बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, बेटिंग एवं बेस्ट, उनका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, एक क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। तो इंसुलिन के कमी के कारण रोग कौन सा होता है, हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमेह, जिसको हम लोग मगही भाषा में कहते हैं चीनी का बीमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो मधुमेह रोग। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 4 नंबर कहता है, भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या है, हमारे भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या कितनी है जी। ऑप्शन नंबर ए 35%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 80%। 80% कौन सा राइट होगा, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, मिलाइएगा सभी लोग। हमारे भारत देश में विषैले सांपों की जो कुल प्रतिशत संख्या है दोस्तों, वह है 35 यानी कि 35%। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा, इसी तरीके से बताते रहिए और क्वेश्चंस का लाभ उठाते रहिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या, अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, अल्फा टॉक्सिन क्या है, अल्फा टॉक्सिन क्या है, जल्दी से बताइए। तो अल्फा टॉक्सिन क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए कवक द्वारा उत्पन्न विष है,
ऑप्शन नंबर बी है एंटीबायोटिक है, या ऑप्शन नंबर सी कहता है सांप का विष, या ऑप्शन नंबर डी कहता है जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष। देख लीजिए ये तीन को जो है तीनों खतरनाक है, विष 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 लिख दिया पहले ही, तो ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा जी। तो चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए सभी लोग, सभी लोग मिलाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हो यार शेयर करो, शेयर नहीं करते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, मुझे भी मज़ा आएगा आप सभी को देख करके कि मेरे क्लास में इतना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो आप सभी के लिए और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा ठीक है। तो हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना उनका राइट है जी। हाँ जी देखिए अल्फा टॉक्सिन क्या होता है, कवक द्वारा उत्पन्न क्या होता है, विष होता है ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है जी। बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना उनका राइट है, इसी तरीके से आंसर बताते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हाइड्रोपोक्सिन ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिना पानी की खेती, ऑप्शन नंबर बी है बिना खाद की खेती, ऑप्शन नंबर सी है बिना मिट्टी की खेती, ऑप्शन नंबर डी है बिना बीज की खेती। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है जल्दी से बताइए। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपके पैरामेडिकल में सामान्य विज्ञान से 25 एमसीक्यू रहेंगे और 2500 दमदार रहेंगे, तो इसीलिए आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा साइंस के लिए। फिर जीके से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, सभी तो सिलेबस आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जा करके हमारे चैनल पर आप लोग सिलेबस सर्च करिएगा ना, तो हमारा वीडियो आ जाएगा टोटल लर्निंग ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा बिना मिट्टी की खेती ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी की खेती से संबंधित है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया नया क्वेश्चन सीखने को मिल रहा होगा आपको, तो इस सबको ध्यान से रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि सतवां कहता है सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है। देखिए सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 120/80, या ऑप्शन नंबर बी है 100/150, ऑप्शन नंबर सी है 80/120, ऑप्शन नंबर डी 120/150। तो कौन सा राइट होगा जल्दी से बताइए। तो सामान्य पुरुष की बात कर रहा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो सेंस लगा के रखिएगा। तो चलिए यहां पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है 120/80 ठीक है। कितना हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ठीक है, अब से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि आठवां कहता है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर बी है कालाजार क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्स ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ZT AZT, और फिर डी यहाँ पे है फाइलेरिया, तो हो जाएगा पेनिसिलिन। तो कौन सा युग्म आपको सही लग रहा है, इसमें एक युग्म है जो कि सही है, अब वो कौन सा युग्म है जो सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग आंसर मिलाइएगा, नहीं पता है बहुत को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्स और ए जेड ठीक है, एड्स AZT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला एड्स क्या हो जाएगा AZT यानी कि इसका होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा देखने को मिल रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को केवल माइंड में मेकअप रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा दिखेगा ना तुरंत माइंड क्या करेगा वहाँ पे उस क्वेश्चन पे आ जाएगा जहाँ मतलब कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन देखने को मिल गया आपके एग्जाम में तो वहाँ पे माइंड चला जाए कि नहीं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ठीक है, एड्स ए याद रहेगा ना माइंड को, तो वो आपको तुक्का भी मारेगा ना तो उसी सही वाला आंसर के तुक्का मारेगा ठीक है, यही माइंड का दिक्कत होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है केले में एक विशेष पुष्प क्रम होता है, केले में कौन सा एक विशेष पुष्प क्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए है अस्पेडिक्स, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथोडियम, ऑप्शन नंबर सी है कोबरियम, ऑप्शन नंबर डी है पेनिकिल। केला में एक विशेष पुष्प क्रम होता है, कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा राइट आंसर
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है जी अस्पेडिक्स। ठीक है, अस्पेडिक्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, केला में जो एक विशेष प्रकार का पुष्प क्रम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए अस्पेडिक्स। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं इसको, इसका जो वनस्पति नाम है ना वो नाम है मूसा पेरिडिसिस। ठीक है, मूसा पेरिडिसिस नाम है। जो कि केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है मालूम है, केला में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब से याद रखिएगा केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कमेंट करके बताओ तो जल्दी से। हाँ जी बहुत अच्छा, अभी मैंने बता दिया था विटामिन ए, और विटामिन ए के साथ साथ केला में और क्या पाया जाता है जल्दी से बताइए तो। विटामिन के साथ साथ केला में और काफ़ी मात्रा में उसमें होता है वो कौन सा होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। हाँ जी देखिए देखिए कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी विटामिन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी केला में काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है यानी कि पाया जाता है। और जो मैं एक और बात बताता हूँ केला से रिलेटेड, जो केला का केला में लगने वाला जो रोग होता है ना, सब कहता है कि केला नहीं, केला में रोग नहीं होता, केला में रोग होता है, और वो कौन सा रोग होता है उसको मैं बताता हूँ, वो है पनामा। ठीक है, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, मैंने साइंस वाला यदि पढ़ाया है तो उसमें यूट्यूब पे ही तो इसमें पनामा नाम का मैंने बताया था। यही रोग है दोस्तों जो कि कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये रोग क्या होता है केला में जो कि होता है, ये पनामा जो कि कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये रोग। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30 होता है। देखिए केला के बारे में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि केला कभी ख़राब नहीं होता है। हाँ भले वो गल जाएगा मगर ख़राब नहीं होता ऐसा माना जाता है, लेकिन सही बात है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन सॉरी 30 क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी किस पौधे का नाम है, ऑप्शन नंबर ए है चंदन, ऑप्शन नंबर बी है यूफोविया, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइडेक्स, ऑप्शन नंबर डी है इपोमिया परपुरिया। गजब गजब नाम देखने को मिल रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इपोमिया परपुरिया। ठीक है, इपोमिया परपुरिया यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया है। 31 कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला की घन, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर की भुजा की घन है जिसके सतह पर 16 न्यूटन का प्रनोद आरोपित किया गया, यानी कि बल उस पर आरोपित कितना किया गया, 16 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है बल किसका मात्रक है जी, तो सॉरी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर से बल हम लोग को पता लग गया कि 16 न्यूटन चल रहा है, तो इस सतह पर आरोपित दाब क्या होगा, दाब की गणना करना है। देखिए बल दे दिया है और भुजा का लंबाई दे दिया और दाब पूछ रहा है, तो आप सभी को बहुत ही आसान सवाल है जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं एग्जांपल में बताता हूँ, देखो पहले इसको तो आप लोग पहले मैं बताता हूँ, जब भी नो मेडिकल आए तो सबसे पहले सबको एसआई यूनिट में चेंज करना, जैसे सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम लोग इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, और ये तो एसआई यूनिट में पहले से है तो सबसे पहले हमको इसको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, आरोपित दाब, तो दाब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यदि नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन यानी कि बल बटा में, यहाँ पे एसआई यूनिट लिख दे रहा हूँ, बल बटा में एरिया। ठीक है, बल बटा में एरिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फोर्स बटा में एरिया। तो यहाँ पर से फोर्स तो दे दिया मगर एरिया नहीं दिया है, तो यहाँ पर से आपको बता दिया गया है ना क्वेश्चन में कि घन है, घन है ना, तो घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना, साइड भी दे दिया तो क्षेत्रफल निकाल लो। तो मैं यहाँ पर से इसका क्षेत्रफल यदि निकाल लेता हूँ एसआई यूनिट में मीटर में, तो हमारे पास आता है 0.08 मीटर। ये हमारे पास एसआई यूनिट में क्या है, घन का क्षेत्रफल है। घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका जो फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 16 न्यूटन है तो वहाँ पे हमको सबसे पहले बल देना है, तो 16 बट्टा में 0.0 और क्या है यहाँ पे, सॉरी वो साइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, क्योंकि देखिए 0.0 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा
भुजा हो जाएगा, साइड हो जाएगा। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.064, ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अब इसको जब कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पर से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 2500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये बल्क दाब का मात्रक होता है, तो यहाँ पर से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। देखिए ये सब न्यूमेरिकल में फंसने की बात नहीं है, यहाँ पर से मैंने बता दिया ना फॉर्मूला दाब बराबर, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल। आपको घन का दे दिया है जी, भुजा दे दिया, आप घन का क्षेत्रफल निकाल लेना भुजा से, यहाँ से इसको एसआई यूनिट में बदल देना पहले, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देना, तो उसका आपको भुजा स्क्वायर निकल जाए, यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब हम लोग इसमें क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो वो आपका दाब निकल जाएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हो 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, आई होप मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।